और ये ऊपर के सारे जो पत्रे ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैंने अपनी दुकान भी खोली। ये देखा, सुबह सुबह दुकान के सामने का नजारा कुछ ऐसा है। वे सर, मुझे माफ करना कि कल वीडियो नहीं आया, क्योंकि यार कल खाना खाने का भी टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने और एक रूम का कंस्ट्रक्शन दिया अपने घर के काम का। तो गाइस, मैं एक बार आपको अपने घर का काम दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पीछे का रूम है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, जिसमें कि अभी माल पड़ा हुआ है। यहाँ पर गिट्टी है और इसके नीचे रेती है, क्योंकि यार यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ से लेकर वहाँ तक जो रिंग पड़ने वाली थी ना, उसकी आज भराई हो रही है। इस साइड में तो हो गई, ये देखो इस साइड में भी माल डाल दिया है जो कि वहाँ तक चला गया है, और अभी इस साइड का काम बाकी है, जिसके बाद ये वाला कमरा भी यहाँ तक खड़ा हो जाएगा। और ये ऊपर के सारे जो पत्रे ना, वो सब हम हटा देंगे। वैसे भी 2-3 दिन तक ये दिक्कत रहने ही वाली है, जब तक ये पूरा भरने जाता, फिर इसकी हम पानी भरेंगे, इसमें सिंचाई करेंगे, और उसके बाद ये अच्छे से बनकर, जिसके बाद ये पत्रे सब हट जाएंगे। वैसे यार ये देखो हाइट कितनी हो गई, अभी पत्रे से थोड़ा ही नीचे हूँ मैं, लगभग चार बोर्ड या फिर चार उंगलियाँ पकड़ के, मैं तो पत्रे को ही लग जाता हूँ। तो अब तक कुछ इतना काम हो, वैसे भी बच चुके हैं दोपहर के 2, और अब तक मिस्त्री जी ने इतना काम किया। अभी वो खाना खाने के लिए चले गए और मैंने भी खाना खा लिया, तो अब चलते दुकान में, क्योंकि आज सुबह से मम्मी वहाँ पर बैठी थी, तो मैं अब चलता हूँ और मम्मी को खाना खाने के लिए भेज देता हूँ। तो दोस्तों, अभी बज चुके शाम के 6, और अब जाकर हमारा काम पूरा हो चुका है, जिस कारण मैं अभी आ चुका हूँ अपनी दुकान में, क्योंकि यार सुबह से मैं पीछे था, जिस कारण यार दुकान में बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, काम होता है थोड़ा बहुत। अभी अभी दुकान के साफ सफाई की, चलिए अब एक लिस्ट बनाते हैं जो जो चीजें दुकान में खत्म हो चुकी है उनकी, क्योंकि यार कल मैं मार्केट जाने वाला हूँ, तो वो सब चीजें खरीद के लाएंगे। वैसे आज हमारे घर की पूरी रिंग पड़ चुकी है, जिसके बाद अब बारी आती है कॉलम की, तो कल मुझे कॉलम का भी मटेरियल लाना है। तो लगता है कि मुझे अपने बैंक अकाउंट के थोड़े बहुत पैसे निकालने पड़ेंगे, जो कि मैंने अपने शेयर्स बेचकर कमाए थे, तो उन सबको मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कल क्या क्या होता है। वैसे शक्कर भी खत्म हो चुकी है, इसके अंदर देखो सिर्फ इतनी सी शक्कर बाकी है, तो मुझे इन दोनों में से एक शक्कर के बोरे को फोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एक एक काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शक्कर का बोरा तो यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, अभी भी मैंने इसको अनबॉक्स किया है, मतलब कि इसे फाड़ा है। तो चलिए फटाफट से सारी शक्कर को पैकेट बना लेते हैं, बहुत सारे पैकेट बनाने हैं हमें, तो चलिए फटाफट से काम पर लग जाते हैं। मैगी मसाला, टमाटो सॉस, मैगी मसाला, दर चलिए दोस्तों, मैंने सारे शक्कर के पैकेट तो बना लिए और इनका वजन भी कर लिया 1-1 किलो। अब इनको बांधना बाकी है, तो चलिए फटाफट से मैं सभी को बांध लेता हूँ। और ये हो गया तीसरा वाला, ये हो गया चौथा वाला। दोस्तों, आज मैंने ये बिस्किट के बॉक्स लाए थे, पार्ले जी 10 वाला और पतंजलि का नारियल बिस्किट, तो इन सबको यहाँ पर लगाना था मुझे। तो चलिए फटाफट से बिस्किट को लगा देते हैं। पार्ले जी को तो मैंने खोल लिया था, ये पतंजलि रह गया था नारियल वाला। तीन बस हो जाएंगे शायद से, देखते हैं कितने बैठते हैं यहाँ पर, इस जगह पर लगाना है मुझे, तो आई थिंक 3 पैकेट बच जाएगी। दोस्तों, आज मैंने कुछ सामान खरीदा था जो कि घर पहुंच चुका है। ये नारियल का पोता था, और ये साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन है, और ये कुछ सरिया के यानी कि रिंग लाई थी मैंने, क्योंकि अरे नए घर के कॉलम बनने वाले थे, उसी का सब सामान है। तो चलिए फटाफट से इस नारियल के पोते को यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाना है मुझे नारियल के पोते को, और फिर देखते हैं साबुन को कहाँ पर लगाना है। वैसे शक्कर के कट्टे भी अभी लगा दिए, ये देखो पहले एक ही कट्टा बाकी था ना, अभी 3 और आ चुके नए वाले, और एक पोहे की बोरी थी। तो यही कुछ अपडेट थे जो कि आपको बताने थे, तो चलिए फटाफट से नारियल के पौधे को लगा देता हूँ।
रोटी भारी आ रही। चलो एक कोने में लगा देता हूँ इसे। चलिए दोस्तों, नारियल का पौधा तो लग चुका है। दोपहर के 12 बज चुके और हमारे घर का काम भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर आ चुके हैं मिस्त्री जी और ये देखो, हमने जो मिट्टी की ये की थी ना खुदाई, वो पूरा लेवल कर दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक रिंग पूरी भर चुकी है और इसके साइड में जो प्लेटें होते हैं वो भी निकाल दिए। अभी इस मिट्टी को हमको लेवल करना है। यहाँ पर एक कॉलम है, इस साइड में एक, इधर एक और साइड में एक, चार कॉलम है और वो पुरानी वाली रूम। तो अभी ये लेवल का काम चल रहा है नीचे वाला। तो दोस्तों अभी मिस्त्री चले गए आगे वो सरिया और वो काटने के लिए, और मुझे अभी ये जो हमने मिट्टी का ढेर बनाया था ना उसे एकदम एक लेवल में करने के लिए बोला है। ये देखो, इस साइड में मिस्त्री जी ने एक ईंटों का थर दे दिया, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो इस लेवल में हमें सारी मिट्टी को एकदम लेवल कर देना है, पूरी की पूरी मिट्टी को। तो चलिए फटाफट से काम पर लग जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द इस मिट्टी को एकदम लेवल में करना है, जिससे कि हमारे घर का काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। बारिश में पूरा मुड़ाप कर दिया, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है, जिस कारण मेरे सूटर में दिक्कत आ रही है। दोस्तों अभी बच चुके हैं रात के 8 और अब मैं अपनी दुकान में आ चुका हूँ। वैसे कल मैंने ये पोहे का बोरा लाया था, जिसके अंदर कुछ पोहे के पैकेट हैं, तो इन सभी पैकेटों को मुझे यहाँ पर लगाना पीछे के साइड में। तो चलिए फटाफट से सभी को लगा देते हैं। तो पहले इन्हें एक जैसा करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हैं। इसमें के अंदर जो हवा रहती है ना, जिस कारण एक के ऊपर एक नहीं बैठ पाते, तो कुछ इस तरीके का करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।